हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है ये बताना चाहूंगी कि जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, नोटिफिकेशन जहां के भी आते हैं, वो मैं सभी आप लोगों को बताती हूँ, समय पर जो है वो बताती हूँ, ताकि आप लोग एप्लीकेशन कर सको। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा वीडियो में दी ही जाती है, लिंक मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकें। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से जो है वो समझेंगे, तो आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी और भी डिटेल में जानने के लिए, नोटिफिकेशन जो है देखने के लिए अच्छे से, लिंक मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो चेक किया करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके देखा करें, वहां पर लिंक जो है वो आपको जरूर मिलेगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय शिक्षक भर्ती से विज्ञापन जारी हुआ है, जहाँ 20 कस्तूरबा विद्यालयों से वैकेंसी आई है। यहाँ लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त रहने वाली है। क्या आयु यहाँ पर मांगी गई है, योग्यता क्या रहने वाली है, कैसे जो है चयन होगा, आपको पता है यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भर्ती होती है वह आप लोगों की सीधी भर्ती होती है, यानी कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन के बेस पर आप लोगों को यहाँ ले लिया जाता है। वेतन जो है यहाँ 22,000 रुपए आपको मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, चलिए सारी चीजें हम नोटिफिकेशन में देखते हैं। ये इसका जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज से 20 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है। समग्र शिक्षा के तहत जो है यहाँ पर वैकेंसी आई है 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में। निम्नवत रिक्त पदों पर नियत मानदेय यानी फिक्स्ड एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर फिक्स्ड और दूसरा संविदा, दोनों ही तरीके से यहाँ पर जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। केवल महिलाएं ही यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं, पुरुष यहाँ आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है किस सब्जेक्ट की है, तो ध्यान से सुनिए आप, जिससे कि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में ना रहे। हिंदी की है, गणित की है, विज्ञान है, सामाजिक विषय है और अंग्रेजी है। तो ये जो पांच जो सब्जेक्ट हैं जो कि पूर्णकालिक शिक्षिका के हैं, यानी 12वीं तक का ये स्कूल है जहाँ पर बालिकाएं पढ़ती हैं, और बालिकाओं के लिए भी जो है यहाँ पर आवास यानी रहने खाने पीने की सुविधा होती है। इसी तरीके से पूर्णकालिक जो शिक्षिका है उसको भी यहीं रहना होता है, खाना पीना सब कुछ अरेंजमेंट यहीं पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ये सब्जेक्ट है, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय और अंग्रेजी, इनके लिए फिक्स्ड सैलरी है 22,000 पर मंथ। तो यहाँ पर आप लोग एक साल जो है वो काम करेंगे, उसके बाद आप लोगों को आगे जो है वो बढ़ाते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साल काम करने के बाद आपको हटा देंगे, हटाएंगे नहीं, नेक्स्ट ईयर जो है ये रिन्यू करते जाएंगे आपकी पोस्ट को, ठीक है। तो चलिए अब मैं जो है वो क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय और अंग्रेजी, तो यहाँ आप लोगों ने इन सब्जेक्ट को स्नातक यानी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, बीएड साथ में, और आप लोगों ने उच्च प्राथमिक स्तर की टेट अगर पास की है, चाहे सीटेट सेकंड आपने पास किया है, सीटेट पेपर 2, तो भी आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हो। हिंदी सब्जेक्ट के लिए इन्होंने कहा है कि हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ जो है वो स्नातक होना चाहिए। अंशकालिक जो शिक्षिका है कंप्यूटर के लिए, प्रशिक्षित स्नातक यानी ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा। स्काउट गाइड एवं फिजिकल एजुकेशन के लिए स्नातक के साथ जो है वो बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड। कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प में जो है बीएड मांगा गया है संबंधित विषय के साथ। नेक्स्ट लेखाकार के लिए इन्होंने मांगा है कि स्नातक जो है वो आपने वाणिज्य तथा एमएस ऑफिस पर कार्य का ज्ञान हो, यानी कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, साथ में कंप्यूटर शिक्षा का जो है यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है क्या क्वालिफिकेशन है। अगर पद की बात करें तो यहाँ पर हिंदी के लिए 6 पद हैं, गणित के लिए 11 पद हैं, उसके बाद जो है विज्ञान के लिए 14 पद हैं, और सामाजिक विज्ञान के लिए 2 पद हैं, अंग्रेजी के लिए 12 हैं, कंप्यूटर के लिए 10 हैं, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में 7 हैं, ठीक है। आर्ट्स के लिए यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 4 हैं लेखाकार के लिए। उसके बाद जो है वो क्लास 8 तक अगर आपने उत्तीर्ण यानी पास हैं अगर आप, तो यहाँ आप मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार या चपरासी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि कुल पद जो है सहायक रसोईया के कितने हैं, 10 हैं। तो ये सभी जो है वो महिलाएं ही रहेंगी, यहाँ पर कोई भी पुरुष आवेदन नहीं कर सकता है।
अगर एज की बात जो है वो मैं कहूँ तो यहाँ पर लिखा है 25 से लेकर 45 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। तो एज जो है वो आपकी 25 से 45 साल रखी गई है। अब कैसे अप्लाई करेंगे और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो 16 अगस्त तक जो है वो आप एप्लीकेशन कर सकते हो 5 बजे तक शाम के, ठीक है। जनपद प्रयागराज हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर ही पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार होंगे। जो जनपद के एनआईसी की वेबसाइट www.prayagraj.nic.in पर उपलब्ध होंगे। इनका ये कहना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिलेगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें आप, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोगों को इस साइट पर मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आप जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजें। इसके अलावा किसी और पोस्ट से आप लोगों को नहीं भेजनी है। सिंपल पोस्ट से जो अभ्यर्थी भेजते हैं तो उनके पहुंचेंगे ही नहीं। उसके बाद देखिए, दिनांक 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन, आवेदित पद का नाम एवं विषय जो है वह लिखना अनिवार्य है। साधारण डाक और विलंब से यानी देरी से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे 4 पेजों की पीडीएफ फाइल में, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगी। इसको जो है वो आपको अच्छे से भरना है, जो भी क्वालिफिकेशन है आप लोगों की, और एड्रेस जो है वो आप लोगों का बिल्कुल यहीं पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा प्राथमिक विद्यालय पुराना ममफोर्डगंज प्रयागराज के पते पर, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का कोई भी डाउट जो है यहाँ पर रह गया होगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। यानी कि यहाँ कोई जो है ना तो एग्जाम हो रहा है ना इंटरव्यू हो रहा है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन जैसी है, आप लोगों के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर ही जो है आप लोगों का यहाँ शॉर्टलिस्टेड आप लोगों को किया जाएगा। और अगर दो अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके समान अंक होते हैं तो जो आयु में बड़ा होगा उसको यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। जितनी भी जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय से वैकेंसी आती जाएंगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले, तभी आप लोगों को मेरे जितने भी वीडियो हैं रेगुलर आप लोगों को टाइम पर मिल सकेंगे। थैंक यू।